जैसे ही हम आदर्श ग्राम परासी पहुँचे, गांव के सड़क किनारे साइकिल बनाने वाला एक व्यक्ति दिखाई दिया। हम उस व्यक्ति से बात करके जानने का प्रयास किए कि आखिरकार परासी गांव में विकास की क्या क्या कार्य हो पाई है। बड़ी ही बखूबी से बताया कि जरा परासी गांव घूम लीजिए, असली विकास का पता चल पाएगा। जैसे ही साइकिल बनाने वाले व्यक्ति बताया, हम आगे बढ़ते गए। परासी गांव के पंचायत भवन समीप एक मिट्टी से बने टूटी घर दिखाई दिया। घर के अंदर जाने पर एक बुजुर्ग महिला खटिया में सोई थी। जब परिचय दिए तब बुजुर्ग महिला हैरान कर देने वाली बातें बताई। बुजुर्ग महिला ने बताई कि उसका एक बायां पैर टूटा है, इलाज के अभाव में घर पर दिन भर सोई रहती है, हाथ में पैसा नहीं है। परासी गांव की उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की अभाव से लाभ नहीं मिल पा रही है। बुजुर्ग महिला ने बताई कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी नहीं मिल पाया है। अगल बगल के ग्रामीणों का कहना है कि बुजुर्ग महिला काफी तकलीफ में है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र तमाड़ प्रखंड के परासी गांव है। मौजूदा सांसद कड़िया मुंडा गांव को गोद लिए हैं। बुजुर्ग महिला से बात करने के बाद आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से कड़िया मुंडा 8 बार चुनाव जीते हैं और 40 साल राज किए हैं, और अभी हम पहुंचे हैं परासी गांव, जिस गांव को वो गोद लिए हुए हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं परासी गांव के यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र परासी तमाड़ रांची, और देखिए नीचे बांस का दरवाजा। आखिर ये करिया मुंडा दरवाजा बना दिए हैं या फिर खुद लोग ही बनाए हैं, आइए जानते हैं लोगों से बात करके। हमारे साथ सेविका भी हैं, आइए हम इनसे जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये बांस का दरवाजा खुद लगाए हैं या फिर करिया मुंडा ने लगा दिया है। बताइए बांस का दरवाजा कैसे लगा? हम अपने से लगाए हैं, तब घुस रहा था घर, यहीं पर सेंटर चलाते हैं। क्या यहाँ पे करिया मुंडा आए हैं, देखे हैं कभी? नहीं, यहाँ तो गांव नहीं घूमे हैं। यहाँ के व्यवस्था जो है वो आप लिख के कभी दिए हैं? हाँ, परियोजना में दिए हैं। पैसा ऐसा कुछ नहीं मिला है, पैसा ऐसे मिलता तो बनवाते हैं, यहीं पर हम सेंटर चलाते हैं। करिया जी, यही है आपका गोद लिया हुआ गांव। अगर आप कभी परासी गांव आइएगा तो एक बार आंगनबाड़ी केंद्र जरूर आइएगा और देखिएगा यहाँ का वातावरण।